वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आके हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो लास्ट वीक में बहुत तेज़ी के साथ गिरावट हो चुकी थी। जो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर 37 लेवल का हाई बनाने के बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो रिसेंटली देख सकते फिर से बाउंस बैक हो चुका है स्टॉक, यहाँ पे 31 लेवल तक गिरावट हो चुकी थी तो आज फिर से रिकवर हो रहा है। 80 to 85 पैसे अब फिर 2% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि नीचे देख सकते कि 30 लेवल पर एक सपोर्टिव लेवल एक्ट हो जाएगी जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल मानी जाती है। तकरीबन रिसेंटली देखा जाए तो आज यहाँ पे ओपन जैसे हुआ स्टॉक तकरीबन यहाँ पे 31 लेवल पे ओपन होकर गिरावट हो चुकी थी, मीन्स फ्लैट ओपन होकर गिरावट हो चुकी थी, पर 30 लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो चुका है। तो रिसेंटली देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग को तो ब्रेक दिया है और रिसेंटली ऊपर आ रहा है, तो 32 लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल 32 लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो फिर यहाँ पे हल्की सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप 40,000 करोड़ के ऊपर स्टेबल है, अभी भी पी रेशियो देख सकते हैं अच्छा है और डिविडेंड यील्ड 4% के ऊपर। लास्ट 5 डेज़ की बात की जाए तो देख सकते कि पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर गिरावट, भारी गिरावट हो चुकी थी तो आज फिर से रिकवर हो रहा है स्टॉक। तो रिसेंटली आज के दिन का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है टोटली आज के दिन का उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते कि 2,38,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 7,424,00,000 का ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिला है। बाइंग के लिए 51,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 72,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो रिसेंटली डाटा आने अवेलेबल है आज के दिन का, तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे। तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ पे हमने फ्राइडे के दिन भी बताया था कि मंथली जो प्यूट है वो 30.55 पे, यहाँ पे आप देख सकते इस मंथ का फ्राइडे के दिन उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, आज भी उसी लेवल पे सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस बैक हो चुका है। तकरीबन रिसेंटली फिर से बाउंस बैक हो चुका है तो फिर से 34 to 35 लेवल तक जाने के चांसेस इस वीक में दिखाई देंगे, क्योंकि नीचे मंथली प्यूट का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इन IRFC स्टॉक के लिए।